खैर उनका स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज का, न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से, क्योंकि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री यहां पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और यहां पर शिमला में भी काफ़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ देश के तमाम हिस्सों में जो लाभार्थी हैं वो प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। अनुज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका यहाँ के लोग काफी इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो की शुरुआत रेलवे बोर्ड बिल्डिंग से की है। अगर हम कहें तो विधानसभा की तरफ से जो रास्ता माल रोड की तरफ जाता है और आर्मी ट्रेनिंग कैंप होते हुए CTO बिल्डिंग, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है या पुरानी अंग्रेजों के समय की बिल्डिंग है, वहां से निकलते हुए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा साइड में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी हैं। और मुझे लगता है आज पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा रहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि इससे पहले जो देश के अलग अलग इलाकों से जो पर्यटक आए हुए हैं वो TV के माध्यम से देखते थे, लेकिन आज उनको सीधा उनके एक तरह से कहें तो दर्शन करने का उनको अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये हमने देखा था कल से ही, जब यहाँ पर तैयारियां चल रही थी तो टूरिस्ट लोग पूछते थे कौन आ रहे हैं, कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो उनका कहना था कि अच्छा क्या हम लोग जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों को काफी इस बात का इंतजार था कि इस ऐतिहासिक जगह पर, रिज के अंदर, आज जो यहाँ पर आपको इतनी संख्या में जो यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं शिमला और शिमला के आसपास के हिमाचल के, ये वो रिज मैदान है जो अमूमन इस पर्यटक और आज इस मैदान के यहाँ स्थानीय लोग, नरेंद्र मोदी जब अपना यहाँ पर संबोधन देंगे तो निश्चित तौर पर की योजना पूरे देश चल रही आने वाले सभी जो योजनाओं को चलाना है उसका सीधा संवाद आज लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पिछले 8 सालों के अंदर क्या बदलाव आया, क्या उनके जीवन में आर्थिक तरक्की हुई, ये सब वो ऐसे बातें हैं जो सीधे लाभार्थियों से आज प्रधानमंत्री पूछेंगे। और ये शिमला के अंदर जो रिज मैदान से ये कल्याण सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, इसको देश के अलग अलग इलाकों से, राज्यों से, जिला मुख्यालयों से लोग इसको देखेंगे, और ना सिर्फ देखेंगे बल्कि कई इलाकों से जो लाभार्थी हैं वो सीधे प्रधानमंत्री के साथ वो संवाद भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक भव्य आयोजन है और भव्य आयोजन का मकसद ही गरीबों का कल्याण करना है। गरीबों के लिए किस तरह की जो योजनाएं थी, 16 करीब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और अलग अलग राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इन राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं ने किस तरीके से लोगों की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है, ये निश्चित तौर पर उसका आज एक आकलन करने का दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 8 वर्ष हो चुके हैं और मोदी सरकार केंद्र सरकार के 8 वर्ष हो चुके हैं। आज से करीब 8 साल पहले 2000 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेते हुए सबसे पहले इस बात को कहा कि उनकी सरकार शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए समर्पित रहेगी और उनकी योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से ये बात झलकती है कि गरीबों के कल्याण के लिए किस तरीके से काम किया गया। जो आप देख रहे हैं इसको SBI चौक के नाम से जानते हैं, आर्मी ट्रेनिंग की है और बिल्कुल आर्मी यहाँ पर लोग अभिवादन अब प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और लोगों को एक अवसर प्रधानमंत्री को देखने का भी। बिल्कुल अनुज, हम दर्शकों को लगातार ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री के, ये आप सीधे दृश्य इस वक्त देख रहे हैं, जय श्री राम।
तो इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां पर आप देख सकते हैं। दोनों सड़क के दोनों ओर काफ़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री रिज मैदान में पहुंचेंगे, जहां पर काफ़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं। वहां पर गरीब कल्याण सम्मेलन को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और आपको बता दें कि ये सम्मेलन न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा खचाखच भरा हुआ है हिमाचल प्रदेश का ये रिज मैदान शिमला का और यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न ज़िलों में जो लाभार्थी लोग हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का फ़ायदा जिन लोगों को मिला है, वो लोग एकत्र हैं, वो भी प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त भी, जो छोटे किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि दी जाती है, उसकी किस्त भी उनके खातों में यहाँ से अंतरित करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं शिमला के रिज मैदान के, जहाँ पर खचाखच ये मैदान भरा हुआ है और वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। और कुछ देर पहले हमने आपको दृश्य दिखाए थे, प्रधानमंत्री मोदी शिमला में, आपने देखा था कि सड़क के दोनों ओर वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लोग प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत कर रहे थे और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं शिमला के रिज मैदान के। और लगातार हमारे संवाददाताओं से हम बातचीत भी कर रहे थे कि केंद्र सरकार के 8 साल के अगर हम कामकाज की बात करें तो कई सारे ऐसे कदम केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा गरीब लोगों को मिला है और यही कारण है कि यहाँ पर ये गरीब कल्याण सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है। चाहे हम मुद्रा योजना की बात करें, उज्ज्वला गैस की बात करें या उसके अलावा गरीबों को घर देने की बात करें, ये सब वो योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा लोगों को मिला है, आम लोगों को मिला है। और वही लोग जिनको इन योजनाओं का फ़ायदा मिला हुआ है, वो आज प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न ज़िलों में वो लोग एकत्र हैं, प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से यहाँ से उनको भी संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ इन 8 सालों की हम बात करें तो कई ऐसा वक्त भी कई बार आया है, चाहे हम पुलवामा की बात करें, उसके बाद जिस तरह से सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की बात करें, गलवान में क्या कुछ हुआ उसकी हम बात करें, कश्मीर में किस तरह से वहाँ पर धारा 370 वहाँ से हटाई गई उसकी हम बात करें, तो ये सब वो कदम हैं, वो पहलू हैं केंद्र सरकार के 8 साल के, जिन पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। अनुज यादव हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं शिमला में। अनुज, क्या कुछ उत्साह है वहाँ पर? और अनुज से हम बात करेंगे इस वक्त, विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ देख रहे हैं आप वहाँ पर, किस तरह का नज़ारा है प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के? देखिए चंद्रशेखर, यहाँ बहुत उत्साह का माहौल है और जैसे कि आपने बताया दर्शकों को कि रिज का मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ है और स्पेस क्रंच का यहाँ पर प्रॉब्लम है, इस वजह से सड़क के एक तरफ यहाँ पर लोग खड़े होकर उन्होंने फूलों की बारिश की और स्पेस क्रंच होने के बावजूद लोगों का उत्साह को देखते हुए सरकार ने ये इंतजाम किए कि प्रधानमंत्री का वो स्वागत कर सके। और प्रधानमंत्री के स्वागत में जो सड़क का रास्ता था रिज मैदान तक, वो फूलों की बारिश हुई वहां पर और अब वहां पर सड़कों पर गुलाब की पत्तियां, पंखुड़ियां
माफ कीजिए, वो बिखरी हुई दिखाई देती है, तो वो बहुत खुश है अपने नेता के आगमन पर और उन्हें बड़ा गौरव महसूस हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने 8 साल पूरे तो किए लेकिन शिमला की धरती को उन्होंने चुना कि वो शिमला में आकर भारत के जनता से मुखातिब हूँ। और जैसे कि आप दर्शकों को बता रहे थे कि वो यहाँ पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यहाँ पर 11वीं किस्त भी रिलीज करेंगे किसानों के लिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहूंगा कि आज ही प्रधानमंत्री यहीं से जो देश के मुख्यमंत्री हैं तमाम उनसे वर्चुअली भी कनेक्ट करेंगे, तो एक तरह से संदेश जाएगा कि पिछले 8 सालों का रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश करने जा रहे हैं और वो इसके साथ साथ लोगों से भी जानेंगे कि मैंने ये काम करके दिखाया, आप तक कितना लाभ पहुंचा, आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। और जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कल हमें बताया, आधे घंटे का एक इंटरेक्शन होगा, वो चाहे वो यहाँ पर जो मौजूद है बेनिफिशरीज उनके साथ हो, उसके साथ ही वर्चुअली जो बेनिफिशरीज कनेक्टेड है उनके साथ आधे घंटे का वो स्लॉट रखा गया है, तो उसमें एक डिटेल बातचीत होगी अलग अलग योजनाओं के 16 केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो उनके बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी उनके साथ सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री, और इसके साथ ही देश के तमाम मुख्यमंत्रियों का के साथ भी वो कनेक्ट होंगे वर्चुअली। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह का उत्साह था, प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी छोड़ी और पैदल चल पड़े और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है, हाथ हिला हिला कर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और बहुत उत्साह का माहौल है, गर्मजोशी का माहौल है, यहाँ पर पर्यटक हैं, स्थानीय लोग हैं, जगह की जरूर कमी है क्योंकि शिमला एक हिल स्टेशन है, बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि कितने लोग कितनी तादाद में लोग आए हैं और कितने डिसिप्लिन तरीके से ये सब मैनेज किया गया है। कल हमारी खास बातचीत में जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि एक भव्य आयोजन होगा जो देखते ही बनेगा, उसका डिटेल उन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किया, उन्होंने कहा आप खुद देखेंगे और जानेंगे कि तमाम जो स्पेस क्रंच है और तमाम जो चैलेंजेस है उसके बावजूद हमने सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हमने पर्यटकों के आवाजाही में कोई बाधा नहीं डाली है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का जो आयोजन हो रहा है उसमें जो भी शरीक होना चाहे, क्योंकि उन्होंने दावत दी थी सभी लोगों को कि आप इसमें जरूर शरीक हो, जो आप शिमला आ सकते हैं जरूर आए, जो शिमला में मौजूद है वो रिज मैदान तक पहुंचे, जहां कहीं भी आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहें, उनको देखना चाहें, आप जरूर उनके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद हो, और साथ ही जो लोग नहीं पहुंच पा रहे वो वर्चुअली कनेक्टेड रहे, तो ये एक ऐतिहासिक दिन है ना सिर्फ शिमला के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, और एक मैसेज गया कि 8 साल के जो सरकार रही है मोदी सरकार की उसमें किस तरह से बदलाव आए, किस तरह से भारत आगे बढ़ा। आप बात कर रहे थे भारतीय संस्कृति की, योग की, खेलों की, तो प्रधानमंत्री का हमेशा से जोर रहा है कि हमारा जो आम जन है उसको तो सहायता मिले ही, साथ ही जो हमारा यंग पॉपुलेशन है वो किस तरह से अपने आप को फिट रखने के भी पूरी तरह से मुस्तैद रहे, और इसलिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए आज पूरी दुनिया में योग फैल गया है, 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, और ना सिर्फ भारत में बल्कि अलग अलग जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, वहां पर भी योग दिवस मनाया जाता है, और ये एक भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जीत है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है और हमारी पहचान हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी योग पद्धति जो हमारे आम जीवन का हिस्सा है। बहुत सी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सब का इलाज है योग। अगर देश की आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो बीते 8 वर्षों में जिस तरह से हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भरता के शिखर को छूने का काम किया है वो साफ तौर से इस बात को रेखांकित करता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टि है वो साफ तौर से भारत को उस ओर ले जा रही है जहां पे भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर सीधे तौर पे अग्रसर नजर आ रहा है। हम सबके बेसब्री से जिस पल का इंतजार है बस अब कुछ ही पलों में वो क्षण आने वाला है जब हम सब यहाँ पे खुद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को यहाँ पर अपने बीच पाएंगे, और वो क्षण बहुत जल्दी हम सबके बीच आने वाला है। वो हलचल हम सबको साफ नजर आ रही है, आप सबका जो उत्साह है, आप सबके जो बातें हैं, आप सबके ऊर्जा के जो संकेत है वो साफ तौर से इस पूरे आभा मंडल में नजर आ रहे हैं। बीते अगर समय की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी, और अब मंच पर देख सकते हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी भी पधार चुके हैं। ऊर्जावान नेता, ऐसे व्यक्ति जो हिमाचल की जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं,
और आज देश को अपनी सेवाएं देते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से उनका नेतृत्व भी अपने आप में ना सिर्फ एक आम हिमाचलवासी के माथे को गर्व से भर देता है, बल्कि हर एक देशवासी के लिए भी एक गौरव का क्षण है, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जावान नेतृत्व के माध्यम से वो अपने मंत्रालयों का संचालन कर रहे हैं, देश को एक नई दिशा दिखाते नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे बीच यहाँ पे मंच पे मौजूद होंगे और वो क्षण हमारे पास बस आने ही वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम उनके मुखारविंद से तमाम ऐसी बातों का जिक्र सुनेंगे कि बीते 8 वर्षों में कैसे एक नए भारत का निर्माण हुआ है, कैसे एक नए भारत की आधारशिला रखी गई है और अब एक नए भारत यहां से कैसे आगे बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो मूल मंत्र है वो कैसे जमीन पे पूरा हुआ है, इसकी वानगी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में नजर आती है। और आज जिस प्रकार से उत्साहित तमाम आप लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, ये इस बात की वानगी है कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, आप लोगों तक पहुंची हैं, उसका लाभ आप तक पहुंच रहा है। और शायद उसी वजह से सरकार और समाज का जो एक जुड़ा हुआ आपसी संबंध है वो साफ तौर पर नजर आता दिखाई पड़ रहा है। और हम सबके इंतजार की घड़ियां खत्म होने की ओर हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच मौजूद होंगे। और हम जिस बात का जिक्र लगातार कर रहे थे, तमाम केंद्रीय योजनाओं की अगर बात की जाए तो लगभग 16 ऐसी केंद्रीय योजनाओं से जुड़े हुए तमाम जो लाभार्थी हैं उनसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब से कुछ देर बाद यहाँ के इस कार्यक्रम से, इस मंच से संवाद भी स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से इस बात का कहीं ना कहीं संकल्प रहता है कि जनता के साथ, आम लोगों के साथ में जुड़ाव रहे, सीधा संवाद स्थापित करें और जो बातें आम लोगों के, आम जन के मन से निकल के आती हैं उनको योजनाओं के रूप में साकार रूप दें, उसको आकार दें। और शायद यही वजह है कि आज दिल्ली से निकलने वाली योजना बहुत व्यवहारिक तरीके से जमीन पर उतरती नजर आती है। न सिर्फ वक्त से पहले तमाम योजनाएं अपना लक्ष्य हासिल कर रही हैं, बल्कि आम भारतवासी के जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही हैं। और इस बदलाव के वाहक के तौर पर हम सबके लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच पहुंच चुके हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे कुछ क्षणों में वो हमारे बीच पहुंचेंगे। और ये एक मौका होगा हमारे अपने इस देश के हर एक भारतवासी के लिए गौरवान्वित होने का, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपने प्रधानमंत्री के रूप में पाकर हर भारतवासी खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। और ये ऊर्जा आप सबके इस प्रकार के गर्माहट भरे संकेतों में साफ तौर से नजर आ रही है। और जिस तरह से आप मोदी मोदी जी का नारा लगा रहे हैं, उनकी स्वीकारिता न सिर्फ हिमाचल, न सिर्फ देश, बल्कि भारतीय भौगोलिक सीमाओं के आगे जाती नजर आती है। और प्रधानमंत्री जी की एक विश्व नेता के तौर पर, वैश्विक नेता के तौर पर जो एक स्वीकारता है आज वो दुनिया मानती है। दुनिया में एक विश्व गुरु के तौर पर भारत की पहचान को स्थापित करने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो योगदान है वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। आज भारत की पहचान वैश्विक मंच पर उस तरीके से है जहां दुनिया देखती है वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भारत आज किस रास्ते को दिखाने के लिए तैयार खड़ा है। आज तमाम दुनिया की चुनौतियों को कैसे निपटा जाए, कैसे समस्या से समाधान के लिए आगे बढ़ा जाए, इन तमाम रास्तों को आगे बढ़ाते हुए खुद प्रधानमंत्री वैश्विक नेता के तौर पर विश्व गुरु भारत की एक स्थापना करते हुए आगे बढ़ते नजर आते हैं। और हम सभी के इंतजार की घड़ियां खत्म होती हुई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मंच पर आगमन हो चुका है। जन जन ने निर्णय लेकर भारत की सूरत बदली है, कदम कदम पे जनता मोदी जी के साथ चली है। 8 साल में हमने संभव को संभव कर डाला है, नवयुग के सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। बात गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। प्रधानमंत्री जी हम सब आपका मंच पर स्वागत करते हैं। मंच पर मौजूद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी,
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज और शिमला से लोकसभा के सांसद एवं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार कश्यप जी का भी हम स्वागत करते हैं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश से बहुत लंबा नाता रहा है और माननीय आपकी आज की ये यात्रा इस जुड़ाव को और ज्यादा मजबूत कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को कि वो आएं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। और हिमाचल की पहचान के तहत यहाँ पे स्वागत होता हुआ अतिथि देवो भवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल की पहचान यहाँ की शॉल और टोपी से स्वागत किया जा रहा है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पुरातात्विक वैभव को प्रदर्शित करता श्री भीमाकाली मंदिर का रेखा चित्र भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। आप सभी को ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ये रेखा चित्र शिमला स्थित कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के बच्चों द्वारा बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति हम सबके बीच में मौजूद है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में सरकार की जिन कल्याणकारी योजनाओं को हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जिस तेजी से जमीन पर उतारा गया है, उसकी अमिट छाप आज पूरे हिमाचल प्रदेश में साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री जी, आपके इसी जन कल्याणकारी सपने को हिमाचल प्रदेश में पूरा कर रहे हैं यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। अब हम हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो आए और प्रधानमंत्री जी का पूरे राज्य के लोगों की ओर से औपचारिक रूप से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस बहुत ही ऐतिहासिक पल पर गरीब कल्याण सम्मेलन के इस कार्यक्रम में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला के इस ऐतिहासिक रिज के मैदान में हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सब के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, सांसदगण, शिमला के हमारे लोकप्रिय विधायक और शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, शिमला के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के हमारे हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में देश ने
तेज गति से तरक्की की है और आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में भारत ने 8 वर्ष का हमारी सरकार का कार्यकाल, यशस्वी कार्यकाल जिसको मैं कह सकता हूं, वो पूर्ण किया है, जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से यहां आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका आपका धन्यवाद करता हूं। हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है और इस बात को हमने एक बार नहीं अनेक बार आपके आंखों में इसकी झलक देखी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितना स्नेह आप हिमाचल के लोगों को करते हैं, हिमाचल के इस देवभूमि के लोगों के प्रति रखते हैं, हिमाचल देवभूमि के लोग भी आपको उसी स्नेह की तरह, स्नेह के साथ जो है आपको याद करते हैं, सदैव जो है आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। बहुत लंबे समय तक आपका हिमाचल प्रदेश में संगठन की दृष्टि से काम करने का जो कार्यकाल रहा है, एक नहीं अनेक जगह आपका जाना हुआ और कितने सारे लोगों को आप आज भी नाम से जानते हैं। सुरेश भारद्वाज जी कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी से, जाखू का जिक्र कर रहे थे कि चलो आज जाखू भी जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जाने का तो बहुत मन है, जहां आप बोलेंगे वहां जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसी पल आपने एक बात और याद की कि क्या वो दीपक अभी भी पैदल जाता है। एक छोटे से कार्यकर्ता, हमारा संगठन का कार्यकर्ता, उनको भी आज नाम से आप स्मरण करके जो है, जैसे आप अन्ना ढील पहुंचे तो आपने स्मरण किया, स्वाभाविक रूप से एक रिश्ता बताता है, ये रिश्ता बहुत मजबूत है हिमाचल के साथ। हम अभी आते आते मैं संकोच भी कर रहा था, संकोच इसलिए कर रहा था कि शिमला का ही हम यहां तक का ये सफर, अन्ना डेल से यहां रिज के मैदान तक का, ये शिमला का रिज का मैदान बहुत छोटा मैदान है, यहां हजारों की संख्या में लोग आए हैं लेकिन वो इस सभा के स्थल में पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो वहीं खड़े हैं। एक विनम्र आग्रह हमने किया कि अगर आप 5 मिनट के लिए थोड़ा सा चल करके उनके साथ आप मिल करके चल सकते हैं, उनसे बात करते हुए चल सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने तुरंत जो है वो हमारा आग्रह स्वीकार किया, मैं आपका आभारी हूं। आप माल रोड पे पैदल हो करके यहां तक पहुंचे, शिमला वॉच कंपनी के पास तक पहुंचे। और स्वाभाविक रूप से मेरा यह मानना है कि बहुत पुरानी यादें आपको ताजा हुई होंगी, जब आप माल रोड पे रिज के मैदान पे चलते थे, कॉफी हाउस में जाते थे, कॉफी हाउस में बैठ के कॉफी पीते थे, कुछ मीडिया के साथियों के साथ मिलते थे, कुछ वकीलों के साथ मिलते थे, कुछ व्यापारियों के साथ मिलते थे। स्वाभाविक रूप से वो बहुत ऐसी यादें हैं, शायद मुझे लगता है कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और जिस तरह से पिछली बार भी जब आपका आना हुआ, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन आपका जब आना हुआ, उस दिन भी आप यहां से तो चले गए लेकिन कॉफी हाउस में आप रुक गए और रुक करके वहां पर जो है कॉफी आपने पी। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है कि आप इतना करीबी के साथ, इतनी भावनात्मक रिश्ते के साथ हिमाचल के साथ जुड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बेहतरीन काम करने की कोशिश की
कोविड का बड़ा संकट था, लेकिन उस संकट के बावजूद भी जिस मजबूती के साथ आपने पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन किया, हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, संकट बड़ा था लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, एक दिन आएगा ये संकट समाप्त होकर के रहेगा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि आज वो कोविड का संकट से हम पार निकलते हुए भारत यशस्वी होकर के भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर दुनिया के सभी देशों के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। आपके आशीर्वाद से जहां हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की केंद्र की योजनाएं स्वीकृत की, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। विशेष राज्य का दर्जा जिन योजनाओं में कहीं जगह हम 50% होते थे, 50% स्टेट 50% केंद्र होता था, कहीं 60-40 था, लेकिन आप जब नेतृत्व करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के उस दायित्व पर पहुंचे, आपने बदल करके इस सारी व्यवस्था को हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, और 90-10 के तहत आपने हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद की उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। विशेष पैकेज के तहत आपने हिमाचल प्रदेश को 4 बार 200 करोड़ और 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए आपने विशेष सहायता जो दी है, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला, आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उस पर सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके यशस्वी नेतृत्व में रोहतांग टनल, अटल टनल रोहतांग, जिसका काम कछुआ की चाल से चला था, जैसे आपने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला, आपने उसको गति दी और उसका उद्घाटन करके आपने राष्ट्र को समर्पित किया, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन यहां पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो, इस बात को लेकर के आपने हमारा मार्गदर्शन किया, और आज मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में की, जिसमें आपका मार्गदर्शन मिला, आपका स्नेह मिला, आपका आशीर्वाद मिला, और उसमें आगे बढ़ करके हम लगभग 50,000 करोड़ रुपए के जो ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेने में हम सफल हुए, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर मंडी आए, 27 दिसंबर 2021 को 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपने किए, और हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ, 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बातें बहुत हैं, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी हमारे सामने है। मैं आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बहुत सुंदर बात मुझे जो आपके इसमें लगी, अभी 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ और कई जगह इस बात को लेकर के कहा जाता था कि रिवाज बना है, 5 साल के बाद बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, ये होगा, लेकिन आपने रिवाज बदल दिया और 5 राज्यों में से जहां 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम 4 राज्यों में फिर सत्ता में आए। और ये रिवाज बदलने की बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हिमाचल में भी कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं, और आपके आशीर्वाद से जो रिवाज बदला है, अब की बार हिमाचल प्रदेश में भी इस रिवाज को बदलेंगे। आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे, आपके आशीर्वाद से मार्गदर्शन में यहां सरकार चल रही है और फिर से सरकार बनाएंगे। इतनी ही बात कहते हुए एक बार फिर से आप शिमला पहुंचे, शिमला के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जहां आप राष्ट्र को भी, आप पूरे सभी मुख्यमंत्री को संबोधित करने वाले हैं, आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक वक्त था कि शहरी और ग्रामीण भारत के अंतर को लेकर
देश दुनिया में चर्चा हुआ करती थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में जिस तरह से सामाजिक आर्थिक योजनाओं ने पूरे भारत में विकास की अविरल धारा बहाई है, उसी का असर है कि आज हमारे गांव शहरी सुविधाओं से सुसज्जित हो रहे हैं। तो हर गरीब और वंचित व्यक्ति को उसके हिस्से का पूरा हक वक्त पर पारदर्शी तरीके से मिल रहा है। और अब हम इसी परिवर्तन को रेखांकित करती कुछ प्रमुख योजनाओं पर आधारित एक वीडियो फिल्म को दिखाएंगे, जो दर्शाती है कि कैसे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। एक समय था जब छत की कमी से जूझते परिवार धूप बारिश सहन करने के लिए मजबूर थे। पानी के लिए महिलाओं का संघर्ष और लंबी कतारें किसी से छिपी नहीं थी। साल 2014 मैं पहली बार केंद्रीय सत्ता की कमान संभाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। देश में शुरू हुआ नए अवसर, नए इंफ्रा का नया दौर। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। छत का सपना संजोए लोगों को मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, और मिला गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, नलिये वाले में, और पानी बहुत टपकता था और मकान भी नहीं था, और अब हमको प्रधानमंत्री आवास योजना मकान मिला। बदलाव का दौर उन गांवों तक भी पहुंचा जो आजादी के बाद 70 साल तक भी अंधेरे में डूबे थे। ऐसे ही 18,000 गांवों की दशा बदली और गांव रोशन हो उठे। वंचितों शोषितों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलने में उज्ज्वला योजना ने भी अहम भूमिका निभाई, और निशुल्क गैस कनेक्शनों ने करोड़ों महिलाओं और परिवारों की जिंदगी बदल दी। सामाजिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव लेकर स्वच्छ भारत भी आया। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को जनता का साथ मिला और देश 100% ODF बना। पहले आगे से शौचालय नहीं था, तब बेटी पुतो बाहर जाते, आप है कि शौचालय बन गया है तो अपना बेटी पुतो बाहर नहीं जाते है। साल 2020 जब देश के सामने COVID-19 महामारी की चुनौती आई, तब सरकार मददगार बन सामने आई। राशन की चिंता में परेशान लोगों को राहत दी और शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसी दौरान वन नेशन वन राशन कार्ड को भी लागू किया गया, जिसके बाद राशन कार्ड धारी देश के किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकता है। महामारी के दौरान आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने ठेला रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में 10,000 का ऋण दिया जाता है। बैंक और नगर निगम के प्रयासों के द्वारा सर मुझे आसानी से 10,000 का ऋण उपलब्ध हो गया। सर मैं वो 10,000 का ऋण चुका चुकी हूँ, मुझे 20,000 का भी ऋण प्राप्त हो गया है सर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हुए किसानों श्रमिकों के लिए जहां मानधन पेंशन योजना की शुरुआत की, तो सभी के लिए अटल पेंशन योजना की भी। साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत सरकार देश के किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के जरिए संपत्ति विवाद को कम करने और ग्रामीण इलाकों में मालिकाना हक सौंपे जाने की एक बड़ी पहल भी हुई। आर्थिक सामाजिक विकास की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन देश में शुरू हुई। पानी की कमी से जूझते इलाकों तक पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचा और करोड़ों परिवारों के जीवन स्तर में आमूलचूल सुधार हुआ। जल जीवन मिशन की तरफ से घर घर टोटियां लग गई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। जरूरत कुपोषण के कुचक्र को तोड़ने की भी थी। सरकार ने चुनौती का समाधान करने के लिए साल 2017 में मातृ वंदना योजना और साल 2018 में
राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। योजना से 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मिली सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। अब एक ओर जहां गरीबों का इलाज आसानी से हो पा रहा है, वहीं जन औषधि केंद्रों ने मरीजों तक सस्ती दवाएं पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मेरी दवाइयां जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही मुद्रा योजना ने देश में 35 करोड़ लोगों के सपनों को उड़ान दी है। बीते 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि अब गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा और शोषित वर्ग को सम्मान और स्वाभिमान मिला है। करोड़ों लोगों को 4 लाख रुपया तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा मिली। करोड़ों भारतीयों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था मिली। अपना पक्का घर, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता, ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके उनकी जिंदगी पूरी हो जाती, वो हार जाते थे। हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों को बदला। मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े। मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में कई मंजिलें तय की हैं, लेकिन लक्ष्य 100% का है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का मंत्र लिए सरकार लगातार देश की विकास यात्रा को और तेज गति दे रही है। नई ऊर्जा, नए लक्ष्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प 130 करोड़ लोगों के सपनों का नया भारत बनाने का है। सुशासन, गरीब कल्याण के और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार बीते 8 वर्षों से देश की सेवा में तल्लीन है। एक नए भारत का निर्माण हो रहा है, हम सबके भारत संवर रहा है और इसके प्रेरणाता हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आजादी के दशकों बाद तक देश की योजनाओं को बनाने में आम लोगों की भागीदारी ना के बराबर होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने जब से देश का नेतृत्व संभाला है उसके बाद से हमेशा आपका प्रयास रहा है कि लोगों से सीधा संवाद स्थापित करके और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप योजनाओं को आकार दिया जाए। सरकार और समाज का ये जुड़ाव एक नए परिवर्तन की इबारत लिख रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी अब अनेकों सामाजिक आर्थिक योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सीधे रुक करते हैं और चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जहां के लेह जिले से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताशी टुंडुप जी, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब ताशी टुंडुप जी से सीधा संवाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, ताशी टुंडुप जी, क्या आप प्रधानमंत्री जी को सुन पा रहे हैं? जी हाँ, नमस्ते सर। आप अपना अनुभव प्रधानमंत्री जी से साझा कर नमस्ते जी। नमस्ते नरेंद्र मोदी साहब, नमस्ते। ताशी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ साहब, मेहरबानी साहब, आपका शुक्रिया। लद्दाख में मौसम कैसा है? अभी तकरीबन आज थोड़ा धुंधला जैसा है सर मौसम, वैसे तकरीबन ठीक है जी। अभी टूरिस्ट आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से टूरिस्ट सर, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं जी। जी अच्छा, ताशी जी बताइए अपने विषय में और आपको भारत सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला,
हमें बहुत मिला सा आपके मेहरबानी से, आपके गवर्नमेंट के मेहरबानी से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको जल जीवन मिशन से आपको हमको मिला है PMYG का स्कीम से हमको घर बनाने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले जिस मकान में रहते थे और अब खुद का मकान मिला है, तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? जी पहले हमारे पास रूम होते थी लेकिन बहुत कच्चा रूम होती थी, तो उसमें हमको बैठने का बहुत सहूलत ठीक से नहीं होता था, क्योंकि बर्फ के टाइम पर, बारिश के टाइम पर शौचालय भी सही नहीं होती थी, हमारे पास आंगन भी नहीं होती, तो बहुत तकलीफ होता था। अभी आपके मेहरबानी से हमें पैसा मिला, तो हमको स्कीम हिसाब से हमको पैसा मिला, हमको अपना पक्का घर मिला, बहुत मिला, अच्छा मिला, शौचालय भी बनाया, अटैच बाथरूम मिला, आंगन मिला, बहुत मैं खुशी हूँ, बहुत अच्छे हूँ सर। तासी जी, आपने तो सेना में रह करके ये मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जवानी खपा दी, और आज भी आपके दिल में उतनी ही भक्ति, उतना ही प्यार बना पड़ा है, और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप जैसे देश के होनहार नागरिकों के लिए जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करना चाहिए। तासी जी, योजनाओं को प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कतें आई क्या? सरलता से प्राप्त कर पाए आप? मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आया जी, मेरे को जो आपका स्कीम का हमें पे ये पता चला कि आपका टीवी चैनल में पता चला, उसके बाद तुरंत मुझे आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो म्युनिसिपल कम्युनिटी है उनका टीम आके हमारा मोहल्ला मोहल्ले में आके हमें गाइडलाइन दिया कि ऐसे है, ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, आपको कर सकता है। तो फिर हमने बोला, आपको उन लोगों ने ये बोला कि आपके पास ज़मीन है या कुछ है क्या? पैसा तो आपके पास नहीं होंगे, होंगे वो नहीं बताएंगे, ज़मीन है, कागज़ है क्या बोला। फिर उन लोगों हमको गोरन में आके हमारे पास आया, ज़मीन देखा, नाप तोल किया, जो भी कर दिया। फिर उन्होंने बोला आपको जो मिल जाए हमें ये शुआर नहीं देंगे कि मिल सकता है कि आपको ऑफिस में आ गया, आप में हम फॉर्म देंगे, सिलेक्शन हो गया तो ना सेलेक्ट हो तो आपको सेलेक्ट नहीं होंगे, होगा तो आपको पैसा मिल जाएंगे कहा था। तासी जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो भावना आपने व्यक्त की, और शुक्रिया सर। देशवासी दूर सुदूर लद्दाख से तासी जी को सुन रहे हैं, और मैं आज हिमाचल में शिमला में आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर। तासी जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हम रुख करते हैं बिहार के बांका जिले का, जहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं ललिता देवी जी। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो ललिता देवी जी से इन योजनाओं को लेकर उनके अनुभव साझा करें। ललिता देवी जी प्रणाम। प्रणाम सर। ललिता जी बताइए अपने विषय में। पतिना विजय दास, घर पसिया, पंचायत डुमरिया, प्रखंड बेलहर, जिला बांका। अच्छा ललिता जी, आपको सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? भारत सरकार की जो योजनाएं थी उसमें से कौन सी योजना थी जिसका आपको लाभ मिला है? घर मिला सर, घर जैसे पहले माटी घर चले सर, नारा घर, जैसे माटी घर नारा घर चले, बहुत चुभे चले पानी सर, बच्चा बुतरु बहुत दिक्कत हो चले सर, आज जब पक्का मकान हो ले, तो कोई चीज के दिक्कत नहीं हो गई सर, बच्चा बुतरु बहुत बढ़िया से रहे, आ पहले बहुत दिक्कत हो गई चले, आ संगे संग शौचालय बना लिए सर, जैसे लौटा ले बाहर दे चलिए शर्म लगे चले सर, अब शर्म नहीं लगे, सब बच्चा बुतरु मिल के सब परिवार मिल के घर शौचालय करे छे, आज सब गांव टोला वाला लगाए के सबके शौचालय हो गए सर। ललिता देवी जी, बच्चों को पढ़ाती हो?
हाँ सर। क्या पढ़ते हैं बच्चे? बड़ी लड़की बीए में, एक और बड़ा बेटा है वो इंटर के, एगो छोटी लड़की वो नम्मा में, एक तो छोटा बेटा सतमा में। अच्छा, अभी अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया तो बच्चों को पढ़ाई की भी सुविधा हो गई होगी, आराम से पढ़ पाते होंगे। हाँ सर। घर में काम में मदद करते हैं पढ़ने गए तो? हाँ सर करते हैं। सरकारी, हाँ हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाए सर, अखने बहुत बढ़िया लगे छे, सुविधा हो गई छे। देखिए अब तो आपको घर मिल गया है तो अच्छे घर में बच्चों की शादी भी हो पाएगी। हाँ सर, गैस मिल गए, गैस चूल्हा मिल गए सर, पहले लकड़ी बैठा खाना बनावे चलिए तो धुइया लागे छले आँखि में, आई अब बहुत बढ़िया सुविधा हो गए तो बच्चा बुतरू खाना उना जल्दी सब बना के सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल भेज दे। अच्छा, गाँव में अभी भी कुछ लोग होंगे जिनका मकान अभी बनना बाकी होगा, क्योंकि हमने तय किया है कि जिनको अभी मकान नहीं मिला है उनको हम बना रहे हैं। हो सकता है किसी को 2 महीने देर से, किसी को 4 महीना देर से, लेकिन सबको मिलेगा। जब आपका घर बन गया है, आप जिन लोगों को, गरीब परिवारों को जानती होगी जिनका घर नहीं बना होगा, तो वो क्या बोलते हैं आपको? आप उनको क्या समझाती हो? उनको विश्वास देती हो कि घर मिल जाएगा? बढ़िया समझाइए ना सर। हाँ चलिए ललिता देवी जी, प्रणाम आपको। मुझे अच्छा लगा आपने इतना संतोष व्यक्त किया जी। और बिहार के बाद अब हम रुख करते हैं माननीय त्रिपुरा का। पश्चिम त्रिपुरा जिले के पंकज साहनी जी के पास चलते हैं। पंकज जी को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी अनेकों योजनाओं का लाभ मिला है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन करेंगे कि वो त्रिपुरा के पंकज जी से उनके अनुभवों को साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। पंकज जी नमस्ते। नमस्कार सर। पंकज जी बताइए, आप त्रिपुरा में क्या करते हैं और आपको किस योजना से क्या लाभ मिला है? सर घर मिला है, शौचालय मिला है, नल का पानी मिला है, बिजली बिल मिला है। इतनी सारी योजनाएं मिल गई आपको? जी सर। आप मूल कहां से हो? जी सर। आप कहां के रहने वाले हो? बिहार के सर, समस्तीपुर जिला के हैं। बिहार से हो? जी सर। तो कितने साल से त्रिपुरा में रह रहे हो? 10 साल से सर। 10 साल हो गया तो आपका राशन कार्ड वगैरह तो बिहार का होगा? सर बिहार का मतलब है, लेकिन इधर में जब काम करते थे इधर डीलर मिला तो अभी वन नेशन वन राशन कार्ड मिला है, लगाते हैं तो वो आपको है। मिल गया है क्या? जी सर। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, जो अन्य राज्यों में लोग जाते हैं तो उनको तकलीफ न हो इसलिए सरकार ने बनाया है, वो वन राशन कार्ड वाला आपका बन गया है क्या? जी सर बन गया है। तो उसके कारण राशन अब आपको त्रिपुरा में भी ठीक से मिल जाता है? सर मिल जाता है। अच्छा, और क्या सुविधाएं मिली हैं आपको पंकज जी? सर हमको कोई चीज को दिक्कत नहीं हुआ, लॉकडाउन में भी हमको, मेरा बीवी और बच्चे सब खुशी में है सर। अच्छा, बिजली भी मिल गई? दिक्कत नहीं हुआ। तो बिजली मिल गई तो टेली मोबाइल फोन चार्ज करते होंगे आप तो? जी सर। पहले मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए कहाँ जाते थे? पहले सर लाइट नहीं था तो कहाँ जाएंगे। हाँ, हमारे देश, हमारा देश ऐसे ही तरक्की कर रहा है। चलिए पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और त्रिपुरा से आप बात कर रहे हैं, माता त्रिपुरा सुंदरी को हम और प्रणाम कर रहे हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और त्रिपुरा के बाद अब हमारे साथ जुड़ रही हैं कर्नाटक के कलबुर्गी जिले से संतोषी जी। आपको आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर योजना से काफी लाभ मिला है, क्या है इनके अनुभव, इसको जानने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो उनके अनुभवों को साझा करें। संतोषी जी नमस्ते। नमस्कार।
संतोष जी आपको किस बात से संतोष हो गया? ಸಂತೋಷ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಆದರಣೀಯ ಸರ್ ಆಪ್ಸೆ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆಕ್ಕೆ ಯಶೋ ಸರ್ ಮಿಲಾ ಹೇ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಮಾನ್ತಿ ಹೂಂ. ಸಂತೋಷ ಜೀ ಆಪ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಲಾಭ ಮಿಲಾ ಹೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಿ ಯೋಜನಾ ಕಾ? ಸಂತೋಷ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಆಗಿದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ? ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಸುಗರ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಬಿ ಪಿ ಸುಗರ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಮ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆ ಮೇಡಮರು ಬಂದು ಡೋರ್ ಕಿ ಸಾತ್ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಕೇಸಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊರಂತ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಪ್ರಿಯಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯೋರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯೋರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನದಾರ ನಮಗೆ ಇದು ಯೋಜನೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಭೀ ನಮ್ಮ ತಾಯೋರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ರ ಈಗ ಮುಂದ್ ಭೀ ಇನ್ನ ಭೀ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಸಿ ನಂದು ಒಂದು ಇದರಲಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. ಆದರಣೀಯ ಸರ್ ಜಿ पहले हमारे गांव में ये सुविधा नहीं थी, उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होता था हमारे घर में, हमारे माता जी को आराम नहीं रहता था उस टाइम, गोली और उपयोग नहीं होता था. जब से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे यहाँ हुआ है हमारे गांव में और हमारे माता जी को और हमारे सभी गांव वालों को बहुत उपयोग हो रहा है और हमारे घर तक हमारे लोगों को चेकअप कराया जा रहा है और गोली दवा फ्री में दिया जा रहा है. इससे हमारी बहुत अच्छी तरह से देखभाल हो रहा है और हमारी माताजी भी अभी स्वस्थ है. ये सब आपकी कृपा से हुआ है, इसलिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं. संतोषी जी आप इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात बता रही थी, आप बोल रही थी तो कन्नड़ा में, लेकिन मैं फील कर रहा था कि आपके मन को कितना संतोष है और आपके परिवार को जो लाभ मिला है और पूरे गांव के लिए आपके मन में जो भाव है वो भी आप व्यक्त कर रही हो. लेकिन एक बात कहूं मैं संतोषी जी, अगर मैं कर्नाटका में होता और वहां मैं भाजपा का अगर कार्यकर्ता के नाते काम करता तो मैं आपको चुनाव लड़वा देता. आप इतना इतने बढ़िया तरीके से सारा विस्तार से बता दिया, बात बताने का आपका जो तरीका है, आप गांव की सबसे बड़ी लीडर बन सकती हो. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, और निश्चित तौर से ये आपका सहज संवाद ही है कि जो किसी भी आम जनमानस को आपके साथ खुद से जुड़ा हुआ महसूस कराता है. कर्नाटक के बाद अब हम चलते हैं गुजरात के महसाणा जिले, जहां से अरविंद कुमार सोमाभाई पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अरविंद जी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी हैं. हम एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो अरविंद जी से उनके अनुभवों को साझा करें. माननीय प्रधानमंत्री जी. अरविंद भाई नमस्ते. नमस्कार सर जी. मैं अपने महसाणा जिले अपने वतन के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बात कर रहा हूं, इसे मैं हृदय पूर्वक खूब पसंद हूं. अरविंद जी अपने विषय में बताइए, क्या कर रहे हो, क्या योजना का लाभ मिला है आपको? हमारा व्यवसाय मंडप डेकोरेशन का है. हमने पीएम मुद्रा लोन लिया हुआ है. इससे हम पहले छोटा सा धंधा करते थे, जब हम पीएम मुद्रा से हमको लोन मिला तो हमें हमारा धंधा बढ़ाया. हम पहले 8 लोगों को रोजी देते थे, अब 12 लोगों को रोजी देते हैं. और जो लोग हमारे पे काम करते हैं इसको भी हम डिजिटल पेमेंट करते हैं. हम भी डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं. हमारा घर का कोई भी पेमेंट हो, लाइट बिल हो, टेलीफोन बिल हो, गैस हो, कोई पर प्रकार का रिचार्ज हो, हम डिजिटल पे ही करते हैं. पीएम मुद्रा में कितना आपको पैसा मिला? 7,20,000. 7 लाख रुपया. और उससे आपने ये आपका जो मंडप वगैरह बनाने का काम था उसे आगे बढ़ाया?
उसका जो सजावट का सामान था उसको हमने बढ़ाया। और कहाँ कहाँ पर आप काम करते हैं, अकेले मेहसाणा में करते हो कि और भी आगे पीछे सब गांव में जाते हो? हमारा काम मेहसाणा और हमारे आजू बाजू के गांव में भी है। तो लोग रोजगार के लिए आपके यहाँ पसंद करते हैं काम करने के लिए, आने के लिए? क्योंकि मंडप मंडप का काम तो बड़ा तेजी से करना पड़ता है। हाँ, तेजी से और तेजी से खोलना पड़ता है, एक साथ फिर वो सर्कस की तरह उठा करके जाना पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है। तो ये और इससे सिवाय बैंक को लोन समय पे वापस कर रहे हो आप? हाँ, करेंगे करेंगे कि करते हैं वापस? तो करेंगे करेंगे। अच्छा, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको भी सरकार की जो योजनाएं हैं उस विषय में कभी आपने बताया? गरीब परिवार के लोग होंगे जो आपके यहाँ मजदूरी करते हैं, इतना आपका कारोबार बढ़ा है। कोरोना काल में जो रसीकरण था सबको हमने रसीद दिलवाई। कोरोना काल में मेरा कार्ड है लेकिन हमको अनाज की जरूरत नहीं थी, हमको हमने अनाज नहीं लिया, लेकिन जिसको जरूरत थी उसको अनाज मुहैया कराया। और हमारी आय 4 लाख से अधिक है, हमने आयुष्मान कार्ड नहीं लिया लेकिन हमारे आसपास के जो लोग को आयुष्मान कार्ड की जरूरत है उन सबका आयुष्मान कार्ड भी हमने निकाला है। मतलब आपने अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनकी भी बहुत देखभाल की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी अरविंद भाई आपको और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर के अपना व्यवसाय, अपना कारोबार जो सेल्फ स्वरोजगार की दिशा में काम करना चाहते हैं उसमें आपने एक बड़ा प्रेरणा का काम किया है। और आप रोजगार खोजने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन गए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और करना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते मेरी हो? मेरी बच्ची खेल महाकुंभ में डीएलएस द्वारा खेल रही है, वो भी नेशनल गेम प्लेयर भी है। क्या क्या नाम है? राजवी। अच्छा, क्या खेलती है? एथलेटिक्स। एथलेट में, वाह, चलिए हमारे आशीर्वाद दे दीजिए उसको। मेहसाणा जिले ने इस बार ओलंपिक में ओलंपिक में भाविना ने नाम कमा दिया। मेहसाणा जिले की बेटी ने भाविना ओलंपिक से मेडल लेके आ गई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की समा देवी जी। समा देवी जी इस वक्त शिमला के इसी रिज मैदान में हमारे साथ मौजूद हैं। इनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना का लाभ मिला है। समा देवी जी नमस्ते। नमस्कार सर। आप कहाँ रहती हो समा देवी जी? सर मैं सिरमौर से हूँ। सिरमौर रहती हो? हाँ जी सर। अच्छा, चलिए हम भी कभी सिरमौर आया करते थे। हाँ जी सर। अच्छा रमा देवी जी, बताइए हमें, समा देवी जी। हाँ जी सर। हमें बताइए आपने भारत सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका आपने लाभ लिया है, आपको फायदा मिला है? सर मुझे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का मिला है, जिसमें कि मेरे पास बहुत ही कच्चा मकान था। मुझे ये सुविधा सरकार की ओर से भी मिली है, कुछ हमने दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ पैसा हमने इकट्ठा भी किया था सर, जिससे कि हमें ये सुविधा मिली और कुछ पैसा वो लगा दिया, फिर हमने उस पैसे से अपना कच्चा मकान पक्का बना दिया है सर। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला समा जी? सर जी मुझे सरकार की तरफ से 1.5 लाख की राशि मिली थी। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई पैसा पाने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा जी सर। और मकान आपको जैसा चाहिए था वैसा बना दिया? हाँ जी सर। अभी मकान अच्छा बना दिया तो मेहमान भी बहुत आते होंगे? हाँ जी सर, मेहमान भी आते हैं। तो फिर नया नया खाना पकाना पड़ता होगा? हाँ जी सर। तो फिर खर्चा बढ़ गया होगा अब तो? कोई बात नहीं सर, ये तो आप लोगों की, आपके सरकार की और आपकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं।
अच्छा समाजी, आप खेती करती हैं? हाँ जी सर, मैं खेती बाड़ी भी करती हूँ, छोटा सा अपनी खेती बाड़ी भी है। तो खेती बाड़ी में क्या पकाती हो? सर अभी तो लहसुन चला हुआ है, फिर उसके बाद बीन हो गया, मटर हो गए, मटर भी हम लेट लगाते हैं, अभी तो मक्की और आलू। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी सर। तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है? हाँ जी सर, मुझे पीएम सरकार किसान निधि का पैसा भी मिलता है, जो कि मुझे दो दो हजार करके साल के 6,000 मिलते हैं सर। अच्छा। हाँ जी सर, इसका भी मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपसे भी पीएम मोदी जी और सरकार से भी। समाज जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और आपका ये सहज संवाद ही है जो किसी भी भारतवासी को आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस कराने के लिए काफ़ी होता है। ये महज कुछ लोगों के साथ माननीय आपका ये संवाद था, लेकिन आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश भर के लगभग 1500 जगहों से लाखों लाखों लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और जुड़े हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्राथमिकता में हमेशा से देश के अन्नदाता यानी हमारे किसान शामिल रहे हैं, और बीते वर्षों में आपने किसानों की आय को दोगुना करने से लेकर उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने में जो प्रयास किए हैं उसको लेकर देश के किसान आपके आभारी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आपने अन्नदाताओं के खातों में सालाना 6,000 रुपए देने का जो भागीरथ प्रयास किया है उसका फायदा देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, इस योजना के माध्यम से अब तक 1,82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमारे अन्नदाता प्राप्त कर चुके हैं। इस क्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त के रूप में आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होंगे। हम अब माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो कृपया बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त किसानों के खातों तक पहुंचाने की कृपया करें। निश्चित तौर से हमने देखा कि कैसे पारदर्शी व्यवस्था से डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के अन्नदाताओं के खातों में सीधे 21,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के हाथों से ट्रांसफर हुए हैं, और लाभ पाने वाले किसानों की जो संख्या है वो 10 करोड़ है। और अपने आप में अगर आज तक की बात की जाए, अगर इस किश्त को 11वीं किश्त को मिला दिया जाए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और भारत के मान सम्मान को देश दुनिया में बढ़ाने का काम करने वाले, देश की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पाकर भारत का हर एक नागरिक गर्व महसूस करता है। अब हम बेहद विनम्रता के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो कृपया आए और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर श्रीमान राजेंद्र जी, यहाँ के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री, मेरे मित्र श्रीमान जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे पुराने साथी श्रीमान सुरेश जी, केंद्र के मंत्रिपरिषद के मेरे साथियों, सांसदगण, विधायकगण, हिमाचल के सभी जनप्रतिनिधिगण,
आज मेरे जीवन में एक विशेष दिवस भी है और उस विशेष दिवस पर इस देवभूमि को प्रणाम करने का मौका मिले, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम शिमला में है लेकिन एक प्रकार से ये कार्यक्रम आज पूरे हिंदुस्तान का है। हमारी यहां चर्चा चल रही थी कि सरकार के 8 साल होने पर कैसा कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए, तो हमारे नड्डा जी जो हिमाचल के ही हैं, हमारे जयराम जी, उनकी तरफ से एक सुझाव आया और दोनों सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 8 वर्ष के निमित्त कल मुझे कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिए, ऐसे बच्चों का जिम्मा संभालने का अवसर कल मुझे मिला। देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निर्णय सरकार ने किया और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए चेक डिजिटली। 8 साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून देता है, आनंद देता है। और फिर मेरे सामने सुझाव आया कि हम एक कार्यक्रम हिमाचल में करें, तो मैंने आंख बंद करके हाँ कह दिया, क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी। आज इसलिए मैंने कहा कि 8 साल के निमित्त देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शिमला की धरती पे हो रहा है, जो कभी मेरी कर्म भूमि रही, मेरे लिए जो देव भूमि है, मेरे लिए जो पुण्य भूमि है, वहां पर मुझे आज देशवासियों को इस देव भूमि से बात करने का मौका मिले, ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला काम है। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर पर काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है, ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है,
उनकी ताकत से हो रहा है। परिवार के एक सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है, लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं, आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूं काम करता रहता हूं और आगे भी। एक परिवार के सदस्य के नाते परिवार की आशा आकांक्षाओं से जुड़ना, 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। और जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है, तो आज मैं फिर से मैं इस देव भूमि से मेरा संकल्प भी दोहराऊंगा, क्योंकि संकल्प को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए, संकल्प कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। और मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा, जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा। और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूटपुर रहने वाले का दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं, इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देव भूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। साथियों, हम सभी मिलकर भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का सपना आजादी के लिए मर मिट जाने वाले लोगों ने देखा था। आजादी के इस अमृत महोत्सव में भारत के बहुत उज्जवल भविष्य के विश्वास के साथ भारत की युवा शक्ति, भारत की नारी शक्ति, उस पर पूरा भरोसा रखते हुए मैं आज आपके बीच आया हूं। साथियों, जीवन में जब हम बड़े लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कई बार ये देखना भी जरूरी होता है कि हम चले कहां से थे, शुरुआत कहां से थी की, और जब उसको याद करते हैं तभी तो हिसाब किताब का पता चलता है कि कहां से निकले और कहां पहुंचे, हमारी गति कैसी रही, हमारी प्रगति कैसी रही, हमारी उपलब्धियां कैसे रही हैं। हम अगर 2014 से पहले के दिनों को याद करें, उन दिनों को भूलना मत साथियों, तब जाकर के ही आज के दिवसों का मूल्य समझ आएगा। आज की परिस्थितियों को देखें, पता चलेगा साथियों, देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है। 2014 से पहले अखबार की सुर्खियों भरी रहती थी, हेडलाइन बनी रहती थी, टीवी के पर चर्चा होती रहती थी, बात क्या होती थी, बात होती थी लूट और खसोट की, बात होती थी, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की, लेकिन
वक्त बदल चुका। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। सिरसा से कोई समा देवी, सिरमौर से हमारी कोई समा देवी कह देती है कि मुझे ये लाभ मिल गया, आखिरी घर तक पहुंचने का प्रयास होता है, गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचने की बात होती है। आज चर्चा होती है दुनिया में भारत के स्टार्टअप की, आज चर्चा होती है, वर्ल्ड बैंक भी चर्चा करता है भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, आज हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिक चर्चा करती है अपराधियों पर नकेल कसने की हमारी ताकत की, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ने की। 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया था, तब की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है, लेकिन आज चर्चा जनधन खातों से मिलने वाले फायदों की हो रही है। जनधन, आधार और मोबाइल से बनी त्रिशक्ति की हो रही है। पहले रसोई में धुआं सहने की मजबूरी थी, आज उज्ज्वला योजना से सिलेंडर पाने की सहूलियत है। पहले खुले में शौच की बेबसी थी, आज घर में शौचालय बनवाकर सम्मान से जीने की आजादी है। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। पहले ट्रिपल तलाक का डर था, अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हौसला है। साथियों, 2014 से पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी, आज सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का गर्व है। हमारी सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित है। पहले देश का नॉर्थ ईस्ट अपने असंतुलित विकास से, भेदभाव से आहत था, दुखी था। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल से भी जुड़ा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ रहा है। सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए बनी हमारी योजनाओं ने लोगों के लिए सरकार के मायने ही बदल दिए। अब सरकार माई बाप नहीं है, वो वक्त चला गया, अब सरकार सेवक है। सेवक जनता जनार्दन की सेवक है। अब सरकार जीवन में दखल देने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। बीते वर्षों में हम विकास की राजनीति को देश की मुख्य धारा में लाए हैं। विकास की इसी आकांक्षा में लोग स्थिर सरकार चुन रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चुन रहे हैं। साथियों, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है। हमारी सरकार ने इस सिस्टम को ही गरीबों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाया, उसमें निरंतर सुधार किए। पीएम आवास योजना हो, स्कॉलरशिप देना हो या फिर पेंशन योजनाएं, टेक्नोलॉजी की मदद से हमने भ्रष्टाचार का स्कोप कम से कम कर दिया। जिन समस्याओं को पहले परमानेंट मान लिया गया था, हम उसके परमानेंट सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहे हैं। जब सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का लक्ष्य हो,
तो कैसे काम होता है इसका एक उदाहरण है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अभी मैं जो कह रहा था डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। ये हमारे छोटे किसानों की सेवा के लिए है, उनके सम्मान की निधि है। बीते 8 साल में ऐसे ही डीबीटी के जरिए हमने 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे देशवासियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि 100 पैसा भेजा तो पहले 85 पैसा लापता हो जाता था। जितने पैसे भेजे वो पूरे के पूरे सही पते पर सही लाभार्थी के बैंक खातों में भेजे गए हैं। साथियों, आज इस योजना की वजह से 2.25 लाख करोड़ रुपए की लीकेज रुकी है। पहले यही 2.25 लाख करोड़ रुपए बिचौलियों के हाथों में चले जाते थे, दलालों के हाथों में चले जाते थे। इसी डीबीटी की वजह से देश में सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने वाले 9 करोड़ से ज्यादा फर्जी नामों को हमने लिस्ट से हटाया। आप सोचिए, फर्जी नाम कागजों में चढ़ाकर गैस सब्सिडी, बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजी गई फीस, कुपोषण से मुक्ति के लिए भेजा गया पैसा, सब कुछ लूटने का देश में खुला खेल चल रहा था। ये क्या देश के गरीब के साथ अन्याय नहीं था? जो बच्चे उज्जवल भविष्य की आशा करते हैं उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं था? क्या ये पाप नहीं था? अगर कोरोना के समय यही 9 करोड़ फर्जी नाम कागजों में रहते तो क्या गरीब को सरकार के प्रयासों का लाभ मिल पाता क्या? साथियों, गरीब का जब रोजमर्रा का संघर्ष कम होता है, जब वो सशक्त होता है, तब वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए नई ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पहले दिन से गरीब को सशक्त करने में जुटी है। हमने उसके जीवन की एक एक चिंता को कम करने का प्रयास किया। आज देश के 3 करोड़ गरीबों के पास उनके पक्के और नए घर भी, जहां आज वो रहने लगे हैं। आज देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। आज देश के 25 करोड़ से अधिक गरीबों के पास 2-2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है, बीमा है। आज देश के लगभग 45 करोड़ गरीबों के पास जनधन बैंक खाता है। मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूं कि देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी न किसी योजना से जुड़ा न हो, योजना उसे लाभ न देती हो। हमने दूर सुदूर पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगाई है। देश करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। और मैं जयराम जी को बधाई दूंगा, कोरोना काल में जिस प्रकार से उनकी सरकार ने काम किया है,
और उन्होंने ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण टूरिज्म के लिए तकलीफ न हो इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन को इतना तेजी से चलाया। हिंदुस्तान में सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा करने वालों में जयराम जी की सरकार अग्रिम पंक्ति में रही। साथियों, हमने गांव में रहने वाले 6 करोड़ परिवारों को साफ पानी के कनेक्शन से जोड़ा है, नल से जल। साथियों, हमने 35 करोड़ मुद्रा लोन देकर गांव और छोटे शहरों में करोड़ों युवाओं को स्वरोजगार का अवसर दिया है। मुद्रा लोन लेकर कोई टैक्सी चला रहा है, कोई टेलरिंग की दुकान खोल रहा है, कोई बिटिया अपना स्वयं का कारोबार शुरू कर रही है, रेड़ी ठेले पटरी पर काम करने वाले लगभग 45 लाख साथियों को भी पहली बार बैंकों से ऋण मिला है, अपने काम को बढ़ाने का रास्ता मिला है। और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, मेरे लिए संतोष की बात है, उसमें 70% बैंक से पैसा प्राप्त करने वालों में 70% हमारी माताएं बहनें हैं जो एंटरप्रेनर बन करके आज लोगों को रोजगार दे रही है। साथियों, यहां हिमाचल प्रदेश के तो हर घर से शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिस परिवार से कोई सैनिक न निकला हो। ये वीरों की भूमि है जी, ये वीर माताओं की भूमि है जो अपने गोद से वीरों को जन्म देती हैं, जो वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए 2400 घंटे अपने आप को खपाते रहते हैं। साथियों, ये जो सैनिकों की भूमि है, ये सैन्य परिवारों की भूमि है, यहां के लोग कभी भूल नहीं सकते कि पहले की सरकारों ने उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया। वन रैंक वन पेंशन के नाम पर कैसे उन्हें धोखा दिया। अभी हम लद्दाख के एक पूर्व सैनिक से बात कर रहे थे, जीवन सेना में बिताया था, उसको पक्का घर हमारे आने के बाद मिल रहा है। साथियों, उनको निवृत्त हो गए भी 30-40 साल हो गए। साथियों, सैन्य परिवार हमारी संवेदनशीलता को भली भांति समझता है। यह हमारी ही सरकार है जिसने 4 दशकों के इंतजार के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, हमारे पूर्व सैनिकों को एरियर का पैसा दिया। इसका बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के हर परिवार को हुआ है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक वोट बैंक की राजनीति हुई है। अपना अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, हम नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब देश राष्ट्र के नव निर्माण का हो, जब लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का हो, जब इरादा 130 करोड़ देशवासियों की सेवा और उनका कल्याण करने का हो, तो वोट बैंक नहीं बनाए जाते, सभी देशवासियों का विश्वास जीता जाता है। इसलिए हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हर गरीब को मिले, कोई गरीब छूटे नहीं।
अब यही सरकार की सोच है और इसी अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। हमने शत प्रतिशत लाभार्थी तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, लाभार्थियों के सैचुरेशन का प्रण लिया है। शत प्रतिशत सशक्तिकरण यानी भेदभाव खत्म, सिफारिश खत्म, तुष्टिकरण खत्म। शत प्रतिशत सशक्तिकरण यानी हर गरीब को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर घर जल योजना में भी हिमाचल 90% घरों को कवर कर चुका है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, हमीरपुर जैसे जिलों में तो 100% कवरेज हासिल की जा चुकी है। साथियों, मुझे याद है 2014 से पहले जब मैं आपके बीच आता था तो कहता था कि भारत दुनिया से आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करेगा। आज भारत मजबूरी में दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता है, और जब मजबूरी में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ना तो ऐसे बढ़ाता है, बल्कि आज भारत मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है और हाथ ऐसे करके ले जाता है। कोरोना काल में भी हमने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी हैं, वैक्सीन भेजी है, और इसमें हिमाचल प्रदेश के फार्मा हब बद्दी की भी बड़ी भूमिका रही है। भारत ने सिद्ध किया है कि हमारे पास पोटेंशियल भी है और हम परफॉर्मर भी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी मान रही हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है, लोगों के पास सुविधाएं बढ़ रही है। इसलिए अब भारत को सिर्फ अपने लोगों की आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करनी है, बल्कि लोगों की जागी हुई आकांक्षाओं को भी हमें पूरा करना है। हमें 21वीं सदी के बुलंद भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपाना है। एक ऐसा भारत जिसकी पहचान अभाव नहीं बल्कि आधुनिकता हो, एक ऐसा भारत जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरर लोकल डिमांड को भी पूरा करे और दुनिया के बाजारों में भी अपना सामान बेचे, एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, जो अपने लोकल के लिए वोकल हो, जिसे अपने स्थानीय उत्पादों पर गर्व हो। हमारे हिमाचल का तो हस्तशिल्प, यहां की वास्तुकला वैसे ही इतनी मशहूर है। चंबा का मेटल वर्क, सोलन की पाइन आर्ट, कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग के लोग, और इसे देखकर टूरिस्ट लोग दीवाने हो जाते हैं। ऐसे उत्पाद देश के कोने कोने में पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की रौनक बढ़ाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। वैसे भाइयों बहनों, हिमाचल के स्थानीय उत्पादों की चमक तो अब काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंच गई है। कुल्लू में बनी हमारी माताओं बहनें बनाती हैं, कुल्लू में बनी पोहले सर्दी के मौसम में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों और सुरक्षा कर्मियों की मददगार बन रही है। बनारस का सांसद होने के नाते
मैं इस उपहार के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, बीते 8 वर्षों के प्रयासों के जो नतीजे मिले हैं उनसे मैं बहुत विश्वास भरा हुआ हूं, आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। हम भारतवासियों के सामर्थ्य के आगे कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश हो रहा है। आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहा है। 8 साल पहले स्टार्टअप्स के मामले में हम कहीं नहीं थे। आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तीसरे बड़े। करीब करीब हर हफ्ते हजारों करोड़ रुपयों की कंपनी हमारे युवा तैयार कर रहे हैं। आने वाले 25 साल के विराट संकल्पों की सिद्धि के लिए देश नई अर्थव्यवस्था के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी तेजी से कर रहा है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं। इस बजट में हमने जो पर्वतमाला योजना की घोषणा की है वो हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इतना ही नहीं, हमने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज, इसकी जो योजना बजट में रखी है उसके कारण सीमा पर बसे हुए जो गांव है ये गांव वाइब्रेंट बने, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, एक्टिविटी के सेंटर बने। सीमा पर सटे हुए गांव, उनके विकास के लिए भारत सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है। ये वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज की योजना का लाभ मेरे हिमाचल के सीमावर्ती गांवों को स्वाभाविक रूप से मिलने वाला है। साथियों, आज जब हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस कर रहे हैं, हम देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण पर काम कर रहे हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं हम तैयार कर रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इस दिशा में काम चल रहा है। और इतना ही नहीं, गरीब मां का बेटा बेटी भी अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है। पहले तो हाल यह था कि अगर उसको स्कूली शिक्षा अंग्रेजी में नहीं हुई तो डॉक्टर होने के सपने अधूरे रह जाते थे। अब हमने तय किया है मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन हम मातृभाषा में करने को प्रमोट करेंगे, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा, गांव का बच्चा भी डॉक्टर बन सके और इसलिए उसे अंग्रेजी के गुलाम होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, देश में एम्स जैसे बेहतरीन संस्थानों का दायरा देश के दूर सुदूर के राज्यों तक बढ़ाया जा रहा है। बिलासपुर में बन रहा एम्स का इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब हिमाचल वासियों को चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। साथियों, ये सारे प्रयास हिमाचल प्रदेश के विकास को भी गति देने का काम कर रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती है, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरती हैं, तो ये टूरिज्म को भी बढ़ाता है। भारत अपने यहां जिस तरह ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है,
उससे हमारे दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, हिंदुस्तान के दूर दराज के जो भी इलाके हैं, चाहे पहाड़ी हो, जंगल के इलाके हो, जैसे हिमाचल के दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर इस ड्रोन सेवाओं का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, बीते 8 वर्षों में आजादी के 100वें वर्ष के लिए, यानी 2047 के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है। इस अमृत काल में सिद्धियों के लिए एक ही मंत्र है, सबका प्रयास, सब जुड़े, सब जुटे और सब बढ़े, इसी भाव के साथ हमें काम करना है। कितनी सदियों के बाद और कितनी पीढ़ियों के बाद ये सौभाग्य हमें मिला है, हमारी आपकी पीढ़ी को मिला है। इसलिए आइए हम संकल्प लें, हम सबका प्रयास कि इस आह्वान में